हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विश्वाति पवार में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हमेशा न्यू रेसिपी लेकर के आती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, बीटरूट और गेहूं के आटे की रेसिपी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 3 चुकंदर, बीटरूट ले लिया, इसे साफ धो लिया है, छील लिया है। अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, इस तरीके से प्लेट ले लेना है। आप चाहे तो बीट को मिक्सर में भी पीस सकते हैं या फिर कद्दूकस कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे कद्दूकस कर रहे हैं। इस तरीके से सारे बीटरूट को कद्दूकस कर लेना, या फिर आप मिक्सर जार में भी इसे फाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बीटरूट को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे। अब हम यहाँ पे गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं का आटा आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा कम ले लिया है। अब इसे थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है चावल का आटा। आप चाहे तो इसमें सूजी भी ले सकते हैं, सूजी से भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है बेसन, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे अजवाइन को भून करके अच्छे से क्रश कर लिया है, पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, इसमें हल्का सा नमक डाल देना है हमें, इस तरीके का नमक डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देना है मोयन के लिए, ताकि बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हो। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की सहायता से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मोयन कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से मोयन हो चुका है। अब हम दो पार्ट में आटे को मिक्स कर लेंगे। हम एक नए तरीके से यूनिक नाश्ता बनाने जा रहे हैं। हम दो कलर में बना रहे हैं इसे। एक हिस्से को हमें प्लेट में निकाल देना है, इस तरीके से निकाल देंगे, इसे अलग कर देना है। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालते जाएंगे, और रोटी का जैसे आटा तैयार करते हैं उस तरीके का आटा हमें तैयार कर लेना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ही डालना है हमें यहाँ पे। इस तरीके से हमें आटा तैयार कर लेना, डो तैयार कर लेना है। अब हम इसे निकाल के रख देते हैं। जो दूसरा वाला हमने आटा निकाल के रखा था, अब इसे ले लेना है। अब हम इसमें जो चुकंदर को हमने कद्दूकस करके रखा है, इसे मिला लेना है। इस तरीके से इसे मिला लेंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि चुकंदर जो है वो हमारे गीले रहते हैं, नमी वाले रहते हैं। इस तरीके से इन्हें मिला लेंगे। इसका भी एक डो तैयार कर लेना है हमें। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, दिखने में भी अच्छा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीटरूट का हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। इस तरीके से हमें ढक देंगे इनको। अब हम इनमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे ले लिया आलू को। आलू 3 हमने बॉईल कर लिया था, इस तरीके से छील लिया है इसे। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरीके से कर लेना है सारे आलूओं को। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है 3 से 4। हमने यहाँ पे ले लिया है ये लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया है। एक प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पे हरी धनिया से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इस तरीके से मिला देंगे हम सबको। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमने ले लिया है, जीरा को डाल देना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है, रेड चिली पाउडर ले लेंगे हम। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। हमने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब नमक ले लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो नींबू भी मिक्स कर सकते हैं, नींबू से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्टफिंग हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लेंगे बेलन चौकी। अब हम यहाँ पे लेंगे, हमने जो ये जो आटे का तैयार किया है डो, इसे ले लेंगे। इसे एक रोटी का शेप दे देंगे। इस तरीके से इसे अच्छा सा बड़ा सा बना लेना है। इस तरीके से हमें बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। अब हम इसे आसपास से कट कर लेंगे, इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरीके से हमें बीटरूट की भी रोटी बना लेनी है। इस तरीके से एक शेप दे देना है इसे।
इसे हम निकाल देंगे आसपास के पोर्शन को। अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेना है, इस तरीके से कट कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे ना ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला बनाना है। अब हम बीटरूट को भी बना लेंगे इसी तरीके से। एक भाग हमने व्हाइट वाला ले लिया है, अब हम इसमें दूसरा है जो बीटरूट का तैयार किए हैं इसे ले लेंगे। इन्हें अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए ले लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और तेल में हमारा ये फटे ना, इस तरीके से कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे एक शेप दे देंगे। हमें यहाँ से डीपली कट कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से इसी रो में एक साइड से कट कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से कट कर लेना है डीपली थोड़ा। अब हम इसे दूसरे साइड से ये व्हाइट वाले हिस्से से भी कट कर लेना है। इसका रो हमें ऐसे खड़े रखना है, इस तरीके से इसे कट कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे पूरा कट नहीं करना है, आधा आधा ही कट करना है। यकीन मानिए इसका डिजाइन भी बहुत ही सुंदर बनेगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। इस तरीके से कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टफिंग भर लेंगे, स्टफिंग जो हमने तैयार की है। इस तरीके से हमें स्टफिंग भर देनी है। राइट साइड से पानी लगा देना है हमें ताकि आसानी से चिपक सके। अब ये जो इस साइड वाला पोर्शन है बीटरूट वाला, इसे इसे ढक देंगे। इस तरीके से कर लेना है, इसे अच्छे से कवर अप कर लेंगे हम जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे डिजाइन दे देंगे। हमें इस साइड वाले पोर्शन को लेना है, थोड़ा इसे हल्का सा दबाते हुए लेंगे। अब हमें इस साइड वाला ले लेना है जो व्हाइट वाला है। इससे एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनके तैयार होगा, थोड़ा दबाते हुए ताकि ये खुले ना। फिर से हमें बीटरूट साइड का ले लेना है। इस तरीके से ले लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हें अच्छे से ऐसे दबाते रहेंगे। फिर हमें इस साइड से ले लेना है, व्हाइट साइड से। इसी तरीके से इसी रो में इसे एक डिजाइन दे देना है, बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगा। इसी तरीके से सारे बना लेंगे हम। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही यूनिक नाश्ता बनके तैयार होने वाला है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम इसे आसपास से कट कर सकते हैं ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। इस तरीके से कर लेना है आपको भी, अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा कलर बन के आया, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, कितना टेस्टी दिख रहा है ये। देखिए इस तरीके से कर लेना है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं। ऑयल हमने यहाँ पे गरम करने रख दिया था गैस पे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम जो ये टेस्टी हेल्दी बहुत ही सुंदर हमने जो ये नया नाश्ता बना के तैयार किया है, इसे एक एक करके फ्राई कर देना है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसे एक एक करके हम ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। इसे पकाने के लिए, इसे फ्राई करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट में अच्छे से सिक जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसे लो फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखते से ही मुंह में एकदम से पानी आ रहा है, एक साइड से इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से सब इसको पलट देंगे हम। जितना खूबसूरत ये नाश्ता हमारा दिख रहा है ना दोस्तों, उतना ही टेस्टी भी होने वाला है। इसे भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेना है इस तरीके से ताकि इसका, इसे थोड़ा तिरछा कर लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल सके। इस तरीके से कर लेना है। इसी तरीके से सबको फ्राई कर लेंगे हम। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाला है ये। जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही टेस्टी भी होने वाला है। इस तरीके से निकाल लेंगे और सभी को फ्राई कर लेंगे फिर से। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने स्वादिष्ट, कितने टेस्टी, कितने सुंदर दिखने में दिख रहे हैं। बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
इसे हम आपको तोड़ करके भी दिखा देते हैं दोस्तों कि कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से स्टफिंग भी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। तो आज आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।